हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीटी मैक्स पर। ये वीडियो दोस्तों हमें प्रमोद कुमार जी ने भेजी है, धन्यवाद प्रमोद कुमार जी सागर रेलवे स्टेशन से ये वीडियो भेजने के लिए। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट वन सागर रेलवे स्टेशन से वीडियो डाली, सीआरएस की टीम दोस्तों निकल कर गई थी, दूर से हमने दिखाया था। उस वीडियो में आप काफ़ी दूर से दोस्तों ट्रालियों का नज़ारा देखा था, लेकिन इस वीडियो में सीआरएस सर के साथ ट्रालियों का नज़ारा काफ़ी करीब से देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में जो सीआरएस सर हैं और डीआरएम सर को यहां के स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को भी दिखाएंगे। और उस ज्ञापन में दोस्तों क्या मांग रखी है वो भी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ये पार्ट सेकंड है। सागर रेलवे स्टेशन से लगभग 11:30 बजे के आसपास सीआरएस की टीम इंस्पेक्शन करने के लिए निकली है। दोस्तों यहाँ से माला तक जो है इंस्पेक्शन काफ़ी बारीकी से किया जाएगा, क्योंकि जंगल का एरिया है, काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से दोस्तों सीआरएस किया जाएगा। और माला पुल का दोस्तों निरीक्षण करते हुए माला रेलवे स्टेशन पर सीआरएस सर पहुंचेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों वहां पर माला रेलवे स्टेशन पर लंच का भी इंतज़ाम रखा गया। माला रेलवे स्टेशन पर लंच के बाद दोस्तों फिर पीलीभीत की दिशा में इंस्पेक्शन करने के लिए निकलेंगे। जिस हिसाब से दोस्तों यहां से निकले हैं उस हिसाब से रात हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने दोस्तों ये देखिए ट्रॉली को रोक लिया है और ज्ञापन पत्र लेकर आए हैं। ये जो अंडरपास है, जिस अंडरपास से ये वीडियो शूट की गई है दोस्तों, इस अंडरपास में काफ़ी पानी भर जाता है और गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी पास नहीं होता है। फिलहाल इसमें दोस्तों अंडरपास को सही कराने की मांग की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर अंडरपास के साथ साथ यहां पर एक क्रॉसिंग भी दोस्तों बना दी जाए, क्योंकि पहले दोस्तों मीटर गेज के टाइम पर यहाँ पर क्रॉसिंग थी, पूरा काफिला सीआरएस सर का रुका हुआ है और क्रॉसिंग थी, और उस क्रॉसिंग को बना दिया जाए, ऐसा ज्ञापन दोस्तों स्थानीय लोगों ने सौंपा है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।